गाइज आज सुबह सुबह बहुत बड़ी लीक्स निकल करके आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं आज का इंट्रो नहीं लगाऊंगा। अभी वो लीक्स क्या है वीडियो में पता चल जाएगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी भाई लोग हमारे चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन पर ऑल पे बटन जरूर सेलेक्ट कर देना, और हो सके तो वीडियो को एक लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, ठीक है। इससे आपको मिलता रहेगा नोटिफिकेशन और मुझे मिलता रहेगा मोटिवेशन। ओके गाइज चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज आज वैसे ही मैं सुबह सुबह नींद से उठा, मैंने जैसे ही इंटरनेट चालू किया मैंने देखा कुछ लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है गरीना फ्री फायर स्पोर्ट्स इंडिया ऑफिशियल में, ठीक है। तो यार मैंने गया तो देखा मैंने उधर क्रिप्टो करेंसी की कुछ लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा था। गाइस मुझे उस बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ही था इसलिए मैं तुरंत समझ गया कि फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल का चैनल हैक हो गया है। जी हाँ गाइस हैक हो गया है। अरे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बताए होंगे आपको हैक हो गया है, ठीक है, बट मैं थोड़ा अलग बोलने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो है ना इंडिया तो हैक हो ही चुका है, ठीक है, इंडिया का ऑफिशियल चैनल तो हैक हो ही चुका है, उसका नेम भी चेंज कर दिया गया है। आप लोग जैसे देख सकते हो साइड में फिल्टर लगा के मैं चेक कर रहा हूँ, जैसे ही चेक करने गया उधर मिल रहा है चैनल मिल रहा है, ठीक है, बाहर से तो देखने को सेम मिल रहा है इंडिया ऑफिशियल देखने को मिल रहा है, बट जैसे ही उसका अंदर जाता हूँ अंदर से कुछ अलग ही दिखता है ब्रो, अलग ही कुछ दिखता है। देखते को आप क्रेंडो कुछ नाम से, ठीक है, इसके लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है 4 साल एगो, ठीक है, चार साल पहले भी एक कुछ लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा था, ठीक है, ऐसे कुछ हैक कर लिया गया है। मेरे को जितना पता है बांग्लादेश का भी ऑफिशियल चैनल हैक हो चुका है। अभी ये कौन से दिन अब कब वापस आएगा या तो मेरे को पता नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ यार गाइस यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, तीनों ऑफिशियल चैनल हैक हुए हैं, तीनों का पासवर्ड सेम था और ये हैकर भी बहुत एडवांस हो चुके हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा इतना बड़े बड़े कंपनी जो है हमारा गरीना फ्री फायर का चैनल हैक हो रहा है, तो हम तो मतलब छोटी सी चीज़ है, हमारे भी चैनल कौन से भी वक्त हैक हो सकता है। इसका दो ही रीज़न हो सकते हैं, क्या हो सकता है, उसका सिक्योरिटी एकदम लो है, ठीक है, सिक्योरिटी एकदम नहीं है, गरीना कंपनी की सिक्योरिटी एकदम भी नहीं है, और दूसरा रीज़न ये है हैकर एडवांस हो गए हैं, ठीक है। और गाइज मैंने तो अपना ओपिनियन बताया, आपका क्या राय है आप भी कमेंट में ज़रूर बताना, और हो जाएगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में बेल आइकन वॉल पर जरूर सेलेक्ट कर देना। गाइज यार मार्केट में हो क्या रहा है यार, कुछ पता नहीं चल रहा है यार। पहले जो जिसके आईडी फेसबुक आईडी फ्री फायर से लिंक्ड है उसका फेसबुक आईडी डिसेबल हो रहा है यानी बैन हो रहा है, यार आधार कार्ड क्वालिफिकेशन करके आपको वापस मिल रहा है। उसके बाद जिसका इंस्टाग्राम पेज है बड़े बड़े यूट्यूबर्स का, ठीक है, उसका इंस्टाग्राम आईडी भी बैन हो रहा है, ठीक है, आज यूट्यूब चैनल भी बैन हो रहा है। मतलब इस सब में एक कॉमन चीज़ नोटिस करी आपने, जिसका आईडी मतलब लिंक है फ्री फायर के साथ उसी के सिर्फ उसी का बैन हो रहा है, मतलब उसी का नुकसान हो रहा है यार, इस ये बात कॉमन है सब में। और आपका क्या कमेंट है आप कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और बहुत सारे लोग भी मुझे यही चीज़ पूछ रहे थे कि फ्री फायर का ऑफिशियल चैनल का आईडी हैक हो गया है, मतलब चैनल हैक हो गया तो कब तक रिटर्न आएगा। आ जाएगा यार 24 घंटे में रिटर्न आ जाएगा, आज भी आ सकता है कल भी आ सकता है, मतलब आ जाएगा कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। और भी एक क्वेश्चन कर लेते बहुत सारे लोग कि हमारे फ्री फायर का आईडी में कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यार ये सोचने वाली बात है, लेकिन मेरे को जितना लगता है इससे फ्री फायर का हमारे फ्री फायर जो आईडी में है उससे कुछ ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोग फ्री फायर अलग है और चैनल की बात अलग है, ठीक है, जिसका चैनल है कुछ फ्री फायर का आईडी वाइड है उस 2-स्टेप वेरीफिकेशन करके रख लो, ठीक है। गूगल में भी ये फीचर दिया गया है और फेसबुक में भी दिया गया है, 2-स्टेप वेरीफिकेशन करके रख सकते हो और आप लोग और अपने आईडी को जितना हो सके सिक्योर करोगे उतना ज़्यादा आपका आईडी का सिक्योरिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत दिनों का लास्टिंग होगा, ठीक है। मिलता हूँ गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।